हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा, रमजान माह को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस है अलर्ट, मस्जिदों में नहीं रहेगी नमाज पढ़ने की इजाजत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने किया मनरेगा कार्यों की समीक्षा, गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त और डीआईजी ने किया गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण, रतनपुरा क्रय केंद्र पर अनियमितता मिलने पर उसे निरस्त करने के दिए निर्देश। कुशीनगर में बैठक कर रमजान माह में मस्जिदों में नमाज न पढ़ने की अपील, कहा करें लॉकडाउन का पालन। जिलाधिकारी व एसएसपी की संपन्न हुई रमजान माह के दृष्टिगत मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ही नमाज अदा करने की अपील, कहा कोरोना की महामारी रोकने में दे अपना सहयोग, करें लॉकडाउन का पालन। कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में कोरोना वायरस के दृष्टिगत आरोग्य सेतु ऐप की मॉनिटरिंग के लिए स्थापित किया गया काउंटर, डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण, कहा सभी लोग डाउनलोड करें आरोग्य सेतु ऐप। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ हर्षिता माथुर ने कहा, शासन की गाइडलाइन के अनुसार गांवों में हो रहा मनरेगा के तहत कार्य, सोशल डिस्टेंसिंग पर है विशेष नजर, प्रवासी मजदूरों का भी हो रहा है डाटा तैयार जिससे उन्हें भी मिल सके रोजगार। महवा मंडी में सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर आरती हरेराम एंड कंपनी की दुकान के लाइसेंस को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने किया निलंबित, कहा सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वालों पर कार्रवाई रहेगी जारी। डीएम और एसएसपी ने किया मंडली कारागार का निरीक्षण, जेल के भीतर की गतिविधियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महवा मंडी द्वारा की गई वितरण प्रणाली में सब्जियों की डिमांड में आई कमी, राशन सामग्री का मूल 3 मई तक के लिए किया गया फिक्स, सिटी मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी। स्कूटी से निकली महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह की टीम, मुख्य मार्गों सहित गलियों में लोगों को किया कोरोना वायरस के प्रति जागरूक, कहा रहे घरों में, लगाए मास्क, करें लॉकडाउन का पालन। और लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों के आड़ में सड़कों पर निकलकर चुनौती बन रहे लोगों के खिलाफ पुलिस की सख्ती हुई तेज, बेवजह निकले लोगों को सड़क पर गोला बनाकर उसमें बैठाकर उन्हें उनकी गलती का कराया एहसास।